ये कालू जो है ना सबको बहुत तंग करता है, सारे खरगोशों को ना कालू भगा देता है। और ये बच्चों की माँ जो उनसे ना ये खा रही है जी माल्टा, और वहाँ पे इस्माइल और ज़ैफ़ा जी कर रहे हैं अपनी पतंगबाजी, उनकी फरफराटा मोमी सी जो है ना, बच्चे बिना शॉपर की मोमटियाँ बनाते हैं। ये देखें कालू भाग कर आया छत से, वो अंदर जा रहा है कालू भी, और ये बच्चे चमक चमक अपना खा रहे हैं खाना। इनको मैंने डाल दी घास, शाम हो चुकी है जी, तो आप देख सकते हैं शाम का टाइम है और मैं छत पे आई, मैंने सोचा इनको मैं घास भी डाल दूँ, तो ये मज़े से खा रहे हैं अपनी घास। ये देखें ये कालू को देखें, कालू सबको भगाता है, वो बेचारे काले को तो इतना मारते हैं ना सब। अच्छा रैबिट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि आप एक दिन में छत से सफाई करें और शाम तक, सुबह करें और शाम तक, फिर वही हाल होता है पूरे छत का। अभी उस साइड से तो छत सारी साफ है, लेकिन इस साइड भी जहाँ ये खाना वगैरह खाते हैं सारा दिन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है। ये बच्चों की माँ है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चे देखे थे और साइड से हटाया था उनका ना ऊपर से छत, वहाँ से छत हटा के तो मैंने अभी जो उनसे ना बच्चे देखे हैं वो माशाल्लाह से सब एक्टिव हेल्दी में बैठे हुए मज़े से। घर रोड के पास है तो बाहर मैन से ना बहुत ज़्यादा शोर होता है गाड़ियों का, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुजरती हैं जी। ये देखें अब कालू और दूसरा जो उनसे ना वो खा रहे हैं बाजरा, ये चिट्टू भी आ गया बाहर। कालू बोलता है आप सब खा रहे हो और मैं रह गया हूँ। ये ले जी ये नया एक और नया शगुफा, ये कहता है रुक जाओ जी मेरी भी वीडियो बनाएं। ये जब बाइक वाले गुजरते हैं ना बाइक से तो फिर बहुत शोर होता है। तो सर्दियों में तो मैं इनके आगे 24 घंटे रखती थी बाजरा बिल्कुल फुल करके। ये देखें आज कल डाला था, अभी ये ख़त्म हो चुका है, परसों डाला था आई थिंक, तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और ये बच्चों की माँ को सुबह मैंने डाली थी रोटी, तो ये भी वो रोटी के साथ चिपकी हुई है। रोटी खाने से ये होता है ना जब बच्चों का दूध पूरा हो जाता है, टोटल 8 बच्चे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि पहले ये 6 बच्चे थे, ये देखें माशाल्लाह से 6 के 6 बाहर हैं अभी। तो अभी इतनी जल्दी 3 माह के बाद दोबारा इसने बच्चे दे दिए 8, क्योंकि मेरे पास खरगोश ज़्यादा है, एक ये वाइट, एक ये कालू, एक ये ग्रे वाला और एक ये कान कट्टा जिसको बेचारे सब मारते हैं जी। फ्रेंड्स ये देखें ये चिट्टू, एक छोटी वाली चिट्टू आ गई है सफ़ेदो रानी, इसका नाम है सफ़ेदो रानी। अब इनको मैंने ताज़ी घास डाली थी, ये जो पड़ी हुई है ना घास ये वाली, ये मैंने डाली थी सुबह दिन को, और ये वाली जो घास है ना ये मैंने अभी डाली है इनको ना। तो जो ताज़ी वाली घास है ये पहले वाली घास नहीं खाते, उसके ऊपर सब बैठते रहते हैं ना, तो फिर ताज़ी घास डालो, ये घास बहुत ज़ाया करते हैं। ये देखें आप दीवार के साथ वो पीछे, इन्होंने इतनी ज़्यादा घास ज़ाया की हुई है सारी, ये माशाल्लाह लाइन से सब 1 2 3 4 5 6। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए इस्माइल की मोमटी जो उनसे है ना वो सातवें आसमान को छू रही है। ये देखें सातवें आसमान पे चली गई है, बस ये बेचारा यहीं पे लगा हुआ है, इसको जोर लगा रहा है और वो बेचारी ऊपर नहीं जा रही, कभी बस नीचे कभी ऊपर, बस यहीं पे ही अटकी हुई है। और ज़ैफ़ा नीचे बैठ के पता नहीं डोर, हाँ डोर को ना इकट्ठा कर रहा है। देखें जी पूछते हैं ज़ैफ़ा से कि ज़ैफ़ा क्या कर रहा है।